ये पंक्तियां सुनिए। खुलकर के दौर पर मैंने बहुत पहले चार पंक्तियां लिखी थी और वो आज आपको सुनाना चाहता हूं कि इनकमिंग भी फ्री है उनकी, आउटगोइंग भी है फ्री। अब कोई प्रतिबंध नहीं है, ये नेट क्यू है, इसमें क्या हुआ है? दो ही चीज हमारे घर में, तो दो ही चीज का इस्तेमाल होता है, एक फेस पैक और एक नेट पैक, और तो दो चीजों का पूरा खर्चा चला जाता है। सुनिए, अच्छा इधर उधर बात नहीं करूंगा। इनकमिंग भी फ्री है उनकी, आउटगोइंग भी है फ्री, देखकर रोमिंग में उनकी हक्का बक्का रह गया। रोमिंग का अर्थ मित्रों बेमतलब सड़कों पे घूमना भी होता है। देखकर रोमिंग में उनकी हक्का बक्का रह गया। वो तो मोबाइल सरीखी घूमती है रोड पर और मैं पुराने फोन जैसा घर में रखा रह गया। ये जनरेशन गैप है, ये हम लोगों की जनरेशन गैप है कि हम कहाँ हैं, ये हमारे बच्चे कहाँ हैं। ये उस दौर के बच्चे हैं। बदला है अब के बच्चों का कुछ ऐसा रिंग टोन कि माँ बाप अब तो रहते हैं वाइब्रेट मोड पर। बदला है अब के बच्चों का कुछ ऐसा रिंग टोन कि माँ बाप अब तो रहते हैं साइलेंट मोड पर। मजनू तलाश मत कर लैला को तू गली में, वह कभी शिफ्ट कर चुकी है मेन रोड पर। अरे आप लोग तो, आप लोगों के लिए कहता हूं कि जो थे पुरानी शर्ट के धागे निकल गए, जो थे पुरानी शर्ट के धागे निकल गए। हम सोते रहे और वे जागे निकल गए, हम गुनगुनाते रह गए सपनों में लोरियां, बच्चे हमारे वक्त से आगे निकल गए। उस पीढ़ी के लोग अपने लिए ताली बजा रहे हैं, अपने लिए ताली दूसरे का मजाक का आनंद ले रहे हैं बच्चे हमारे। लेकिन आपको संदेश देके जाना चाहता हूं कि तुम सजन पर मरो, तुम सजन पर मरो, दोनों जेंडर से बात करता हूं। तुम सजन पर मरो, तुम सजन पर मरो, ऐसे मत जुल्फ के बांकपन पर मरो, तितलियों पर नहीं अब चमन पर मरो, तन पे तुम मर चुके अब वतन पर मरो। चाहता हूं कि मुझे गुजरे पलों की साइट पर तुम सर्च कर लेना, खरा 100% हूं टेस्ट आके रिसर्च कर लेना, हंसी का गोल्ड क्वाइन हूं रखो तुम दिल के लॉकर में, जरूरत जिंदगी को जब पड़े तब खर्च कर लेना। बहुत धन्यवाद। दादा के लिए जितनी तालियां बजाई जाए उतनी कम है। एक बार बहुत जोरदार तालियां हमारे दादा की। हमारा सौभाग्य है कि दादा नहीं, और ईश्वर की प्रार्थना कि दादा ऐसे जीत जाए हो और बहुत लंबे समय तक सुनते रहे दादा को। अरे आप जवान है।